चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ हैव देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। व्हेन बोथ द रॉड्स आर डिप्ड इन वाटर दैट करंट, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अच्छा, ये वेट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, सही है ना। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में आर वन बाई आर टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1:2, या इसको आर ए अपॉन आर बी कह दो, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1:2 कह दो। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखा जाए, ये ऐसे लिखेंगे ए ए ए बी अपॉन ए ए, ऐसे लिखेंगे। तो ये 1:2 है, ये 1:2 है, ए ऑफ बी अपॉन ए ऑफ ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर, ए ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ए ऑफ बी। ठीक है, यानी दो रॉड्स हैं पानी में डिप किए गए हैं। ठीक है, इसका ये आपका बी है, ये ए है, इसका एरिया हमने मान लिया ए, इसका हो जाएगा 2a हो जाएगा, डबल डबल है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी का जितना है उसका डबल ए का है एरिया। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये अगर मैं कहूँ कि वेट लॉस की वैल्यू डब्लू, वेट लॉस की वैल्यू पहले की, वेट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, वेट लॉस इक्वल होता है बायंसी फोर्स के, या आप इसको आप थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो वेट लॉस के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, दोनों अगर अच्छा लिक्विड की डेंसिटी तो दोनों के केसेस में सेम होगी, जी दोनों केसेस में सेम होगा, अगर दोनों को सेम अमाउंट में डिप किया गया है। ठीक है, करेक्ट, सेम अमाउंट यानी सेम लेंथ में डिप किया गया है, तो वेट लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, जिसका एरिया ज्यादा उसका वेट लॉस ज्यादा, जिसका एरिया कम उसका वेट लॉस कम। तो एरिया किसका ज्यादा है, एरिया देखो एरिया ए का ज्यादा है, 2a एरिया है, बी का एरिया कितना है, सिर्फ ए है, तो वेट लॉस किसका ज्यादा होगा, ए का। कौन सा ऑप्शन सही है, ए हैज मोर वेट लॉस। ठीक है, करेक्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।